पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने बताया कि जिला मंडी के उम्मीदवारों के लिए पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 20 से 29 जून तक पटेल मैदान में किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक होगी। मंडी के पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मंडी के उम्मीदवारों के लिए पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 20 से 29 जून तक पड्डल मैदान में किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती संबंधित सूचना के लिए मोबाइल नंबर 7018640600 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को उनके आवेदन के समय लिखाए गए मोबाइल नंबर व ईमेल पते पर ही SMS व ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि को लेकर अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिए संबंधित उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय व संबंधित थानों के सूचना पट पर एक प्रतिलिपि सूचना के लिए लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि जरूर लाएं। उन्होंने आवेदकों को अपील भी की कि पुलिस में भर्ती करवाने के लिए प्रलोभन देने वाले बिचौलियों व दलालों से सावधान रहें और यदि किसी अभ्यर्थी या उनके परिजन को इस संबंध में कोई फोन कॉल आती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक नियंत्रण कक्ष को जरूर दें। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान यदि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति या चोट लगती है तो वे उसके लिए स्वयं उत्तराधिकारी होगा। जिला मंडी में पुलिस की भर्ती 20 जून से लेकर के 29 जून तक पड्डल मैदान में की जाएगी और इसका जो शेड्यूल है वो एप्लीकेशन आईडी वाइज जो हमने पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और कैंडिडेट्स जो हैं अपना एप्लीकेशन आईडी देख करके उस डेट के अनुसार अपने भर्ती के लिए सुबह उनको 6 बजे से भर्ती शुरू हो जाएगी। 6 बजे तक पटल ग्राउंड में रिपोर्ट करना होगा और जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल होंगे इसके लिए उन सबको उनके मेल जो आईडी उन्होंने दिया उस पर मेल जाएगी और मेल आईडी खोलने पर वो अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी जो भी कैंडिडेट भर्ती के लिए आएगा तो उसको अपना एडमिट कार्ड साथ में लाना जरूरी होगा और जो डेट उसमें हमने दी है वेबसाइट पर उसी ही डेट को उसको कैंडिडेट को भर्ती के लिए आना होगा। है ये सारी ही जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और जैसे पहले एक्सचेंज वाइज भर्तियाँ होती थी वैसा नहीं हो रहा है। इस बार सबसे पहले महिलाओं की भर्ती रखी गई है और उसके बाद जो है पुरुष और लास्ट डे में जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती रखी गई है। तो इस बार जो है कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन आईडी है उसी से ही उसी के अनुसार जो डेट को देखना होगा और जो डेट उसको दी गई है वेबसाइट में दी गई है उसी डेट को भर्ती के लिए आना होगा। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।